फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेणुका क्रिएशन में। फ्रेंड्स, आप देख रही हैं ऊन से बना हुआ कुशन का कवर। देखिए इसकी कॉम्बिनेशन जो है कलर की। आपके पास बचे हुए जो भी ऊन है फ्रेंड्स, आप उससे भी ये डिज़ाइन तैयार कर सकती हैं। और देखिए इसकी बैक साइड, हमने फ्रंट और बैक दोनों दो डिज़ाइन इसमें डाली है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। कुशन कवर बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 4-5 कलर के ऊन, क्रूश और सीजर। तो सबसे पहले हमें बनानी है एक छोटी सी डिज़ाइन। अब हमने क्या किया है, ग्रीन ऊन लेनी है हमें और इंडेक्स फिंगर में इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और आप अब इसे देखिए, बहुत ही सिंपल इसके अंदर से हमें इस तरह से एक घर निकालना है और इसे टाइट कर लें। देखिए अब हमें चेन बनानी है, 1, 2, 3, 4, 5। हमने 5 चेन बनाया। अब बगैर फंदा लिए क्रूश के ऊपर फर्स्ट वाले जो चेन बनाए थे उससे हम इस तरह से हमें बाहर की ओर निकाल लेना है। यानी अब देखिए हमने इसे ज्वाइंट कर लिया और ये बीच में होल भी हो गया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस तरह से आप एक चेन ले लें और इसे टाइट कर लें। अब क्रूश के ऊपर फंदा लेना है और अब देखिए ये एक्स्ट्रा जो ऊन बच जाते हैं इसे आप इस तरह से इसके ऊपर घुमाते जाएं। क्रूश के ऊपर फंदा लेना है। नेक्स्ट ये जो होल बना है हमें इस होल से 3, 2, 1 ये हमने डबल क्रूशिया बनाया। देखिए फर्स्ट टाइम क्रूशिया पे फंदा लिए, फिर अगेन दोबारा इसके ऊपर देखिए 3 फंदे आ गए हैं क्रूश के ऊपर। अब हमें इसे करना है 2, फिर अगेन 1। इसे हमने 2 टाइम्स किया, 2, 3, 4। इस तरह से हमें यहाँ पे 16 टाइम बनाना है। ये हमने 4 टाइम बनाया है अभी। अब देखिए यहाँ पे 16 टाइम हमने कंप्लीट कर ली है इसे इस तरह। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ज्वाइंट करना है। तो आप इसके ऊपर फंदा ना लें क्रूश के ऊपर। और देखिए इस तरह से हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। नेक्स्ट जो हम चेन लगाएंगे, अब हमें क्या करना है, ऊन को चेंज करनी है। तो ग्रीन कलर के ऊन से हमें इतना सा बनाना है। देखिए अब हमें क्या करना है, वाइट कलर की ऊन लेनी है और इसे इसमें हमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए इस तरह से हमें लेना है और यहाँ पे बैक साइड हमें वाइट ऊन और ग्रीन ऊन में नॉट लगा लेनी है। ऊन ज्वाइंट करने के बाद हमें क्या करना है, क्रूश के ऊपर आपको फंदा लेना है और देखिए इसके फर्स्ट होल में हमें इस तरह से 1 डबल क्रूशिया बनानी है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रूशिया बनाया। देखिए फिर यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं बनानी है, कुछ नहीं लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे हमने 1 एंड 2 दो घर छोड़ना है ग्रीन वाले। फिर उसके बाद हमें फिर से अगेन 4 चेन बनाने हैं, 1, 2, 3, 4। इस तरह से नेक्स्ट हमें चेन नहीं लेना है, इस तरह से हमें पूरा अंत तक बनाना है। ग्रीन वाले दो दो देखिए हमने यहाँ पे दो दो डबल क्रूशिया छोड़ के यहाँ पे 4 डबल क्रूशिया बनाया है इस लाइन में। तो इस तरह से इसे हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट ये लास्ट हो गए यहाँ पे 4-4। हमने सारे दो दो के बाद हमने 4-4 इस तरह से निकाला है डबल क्रूशिया इसमें। अब हमें क्या करना है, इसमें ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से हमें ज्वाइंट कर लेना है, फिर अगेन एक चेन लेके इसे टाइट कर लेना है। तो देखिए ये वाइट ऊन की डिज़ाइन अब कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें येलो
ऊन ऐड करना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से आप येलो ऊन को ऐड करें और ये जो बैक साइड है इसे हमें नॉट लगानी है। अब देखिए येलो ऊन ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है, क्रूश के ऊपर फंदा लेना है और सेम होल में यहाँ पे जो होल बनी है उसमें हमें 4 टाइम डबल क्रूशिया बनानी है। 1। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 टाइम डबल क्रूशिया बना लिया। अब हमें क्रूश के ऊपर फंदा लेना है और नेक्स्ट वाले होल में देखिए यहाँ पे व्हाइट वाले में अब हमें इस तरह से फिर से अगेन 4 डबल क्रूशिया बनानी है। 1, 2, 3 एंड 4। 4 डबल क्रूशिया बनाने के बाद हमें लेनी है एक नॉर्मल चेन। देखिए 4 डबल क्रूशिया हमने बना लिया। अब एक चेन ले लिया। चेन लेने के बाद हमें फिर से अगेन 4 डबल क्रूशिया इसी होल में बनाना है। 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ पे डबल क्रूशिया हमने बनाया, इसकी कॉर्नर यहाँ निकल गई है। अब हमें क्या करना है, फिर से अगेन क्रूश पे फंदा लेना है और इस वाले होल में देखिए सब होल में ही हमें यहाँ यहाँ इस साइड यहाँ बनाना है 4 4 डबल क्रूशिया और कॉर्नर वाले पे 8 डबल क्रूशिया हो गए। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4। फिर देखिए अगेन हमें फिर नेक्स्ट वाले में हमें यहाँ पे 8 डबल क्रूशिया बनानी है। 1 टाइम हम 4 डबल क्रूशिया बनाएंगे, दूसरी टाइम हम 8 डबल क्रूशिया बनाएंगे इस तरह से देखिए, ताकि ये कॉर्नर वाले भाग जो हैं निकल जाएं। अब देखिए इसकी लास्ट स्टेप में हम आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 8 टाइम हमने डबल क्रूशिया बनाया, बीच में 4 टाइम। अब देखिए यहाँ पे अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करते समय कभी भी आप क्रूश के ऊपर फंदा ना लें, बस सिंपली इसे इस तरह से फंसा कर हमें ज्वाइंट कर लेना है और एक 1 टाइम इसे चेन बनाकर कट कर लें। और इस ऊन को हमें क्या करना है, पीछे की ओर ये जो निकले हुए ऊन है इसे अब सारे ऊन को मैंने पीछे की तरफ इस तरह से छुपा दिया है। आप सारे ऊन को इस तरह से बैक साइड इसे पीछे कर दें और सेम देखिए अब ये जो है टिक्की से बोलते हैं हम, इस तरह से जो है इसकी पीसेस हमें रेडी करनी है। देखिए इस तरह 2 कलर की कॉम्बिनेशन में आप इसकी पीसेस रेडी करें। टोटल हमें 16 पीसेस रेडी करने हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे टोटल हमने 16 पीसेस बना लिए हैं। 16 पीसेस बनाने के बाद हमें इनको अब आपस में ऐड करना है। तो जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से हमें इसकी लाइनिंग रखनी है, एक येलो एक ग्रीन, इस तरह से ये होगा फ्रेंड्स। तो अब मैं जोड़ना स्टार्ट करूँगी। इसे जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर व्हाइट कलर के ऊन लिए हैं। अब देखिए पीसेस को ज्वाइंट करने के लिए हम 4 4 पीस आपस में डिवाइड कर दिए हैं फ्रेंड्स। और अब हमें क्या करना है, वाइट ऊन से मैं इन सब को ऐड करूँगी, जोड़ूंगी। देखिए इस तरह से हमें एक फंदा तैयार करना है और इधर मुझे सीधे की तरफ से सबसे कॉर्नर वाले इस तरह ऐसे यहाँ पे हमें अटैच कर लेना है। अब देखिए हमें यहाँ पे हमने फंदा लगाकर सिंपली इसमें अटैच कर लिया। अब हमें 3 चेन बनानी है। 1, 2
एंड थ्री। हमने यहाँ पे तीन चेन बनाया। तीन चेन बनाने के बाद देखिए एक घर छोड़ना है, फिर दूसरे घर में इन दोनों को हमें इस तरह से ज्वाइंट करते जाना है। तीन चेन लेना है, एक दो तीन, फिर बगैर फंदा लिए देखिए यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, एक होल छोड़ के दूसरे होल में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करते जाना है। फिर अगेन वन टू थ्री, फिर फर्स्ट होल छोड़ के सेकेंड वाले में एक एक घर छोड़ के हमें इसमें अटैच करते जाना है। और इस तरह से ये डिज़ाइन साइड साइड में बनते जाएंगे वाइट वाइट, ताकि जब मैं पीसेस को आपस में जोड़ूं तो थोड़ा जोड़ने में हमें आसानी हो और ये जो डिज़ाइन है वो अच्छे से दिखे फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें ये देखिए हमने सारे साइड में बनाया है। तो सेम इसी पैटर्न से आप इस तरह से बना लें, देखिए। तो ऐसे बनाने के बाद अब मैं आपको आपस में जोड़ना सिखाऊंगी। अब देखिए इस तरह से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और तीन तीन चेन बनाकर हमें एक घर के बाद एक घर इसमें अटैच करते जाना है। तो इस तरह से किनारा पूरा बन जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे तीन चेन हमने बनाए, फिर वन घर छोड़कर फिर हमें इस तरह से यहाँ इसे अटैच कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसमें येलो वाले पीस को लेनी है इस तरह से। ये बनाने के बाद हमें इन दोनों पीसेस को आपस में इस तरह से रखना है इक्वल बिल्कुल, और पहले हमें वन टू थ्री चेन लेने हैं। और अब देखिए पहले वाले चेन में हमने क्रोशिया घुसाया, फिर दूसरे वाले चेन में। बहुत ही इजी मेथड है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। और हमें इस घर में इसे निकालना है। फिर अगेन तीन चेन, वन टू थ्री, थ्री चेन हमने लिया। फिर देखिए ये इसके घर में हमने इस तरह से क्रोश को इन करना है यहाँ पे। फिर वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने हैं। फिर नेक्स्ट वाले घर में इसके एक घर लेना है हमें और येलो वाले के एक घर। फिर दोनों को हमें आराम से ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से, देखिए। फिर अगेन वन टू थ्री, थ्री चेन, फिर नेक्स्ट घर। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को आपस में जोड़ते चले जाना है। अब देखिए यहाँ पे दो दो पीस को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, ये पीस को हमने ऐड किया और यहाँ पे इस तरह से घर बनाकर एक्स्ट्रा ऊन आप कट कर लें। फिर दूसरे पीसेस में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ तक हमें अटैच करके आना है और इसे कट नहीं करना है। इस वाले जो घर को हमने छोड़ा है यहाँ पे आपको एक इस तरह से हमें एक घर निकालना है। फिर अगेन देखिए इस तरह से येलो वाले को रखें और पहला चेन इसका, इसका पहला चेन, सेम उसी प्रोसेस से अब हमें आगे बनाते जाना है। वन टू थ्री चेन, फिर नेक्स्ट ग्रीन वाले का और येलो वाले का एक एक घर लेना है और इसे अटैच करते जाना है। वन टू थ्री, फिर नेक्स्ट। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को आपस में ऐड करना है और इसे स्क्वायर पीस में हमें बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये सारे ऐड हो जाएंगे, सारे को मिलाकर हम अब एक स्क्वायर पीस में बनाकर आपको दिखाते हैं। अब देखिए इन सारे पीसेस को हमें इस तरह से जोड़ना है। फर्स्ट जब हमने इसके पीसेस बनाए, सेकंड इसके हमने साइड में चेन लगाए हैं, थ्री थ्री चेन हमने बनाकर पूरा एक सर एक जो है स्क्वायर हमने कंप्लीट किया है। अब देखिए इस तरह से पहले हमने चार को ऐड करना है, फिर अगेन देखिए इस तरह से पीसेस ऐड करने हैं हमें। तो सारे को हमें मिलाकर स्क्वायर बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके जो वन पीसेस है वो बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है इस तरह से, देखिए इसकी बैक साइड। और यहाँ जो मैं ये कुशन के कवर बना रही हूँ, ये कुशन जो है वो 12x12 इंच के हैं। तो अब हमें इसे फ्रंट साइड इसकी रेडी हो गई है, अब हमें इसकी बैक साइड बनानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर येलो कलर की ऊन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स बैक साइड बनाने के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर की ऊन लिए हैं और इस तरह से हमें एक
चेन बना लेना है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लंबाई में हमें चेन बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पर हम टोटल हमने 60 चेन बना लिए हैं, 60 60, और ये लास्ट वाली 61, इसे लास्ट वाली को हमें टाइट कर लेना है। और इतना आप इसके ऊपर घर लूज़ रखें, क्योंकि हमें पीछे की घर बनानी है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लूज इस तरह से। देखिए 3 2 1, यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। क्रूस के ऊपर फंदा लिया हमने और हर घर में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। देखिए तो 60 घर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है। सेम इसी तरह से पूरा आगे पैटर्न कंप्लीट करना है। अब देखिए वन लाइन कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड लाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें अब यहाँ पे एक चेन लेके इसे आप टाइट कर दें बिल्कुल, फिर इसे बैक साइड पलटाएं, फिर उसी तरह से हमें इन सब के होल में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनानी है। सेम वही पैटर्न, आप इसका ध्यान रखें कि 60 घर से ये ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें 60 घर ही रखने हैं इसमें। आप चाहें तो एक दो घर कम कर सकती हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा बिल्कुल ना रखें। तो सेम इसी तरह से हमें, मैं यहाँ येलो कलर से 4 टाइम बनाऊंगी, फिर अगेन हमें ये इस तरह से, ये दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर हम पिंक वाले ऊन को यहाँ ऐड करेंगे, और इस तरह से हमें आगे की ओर बनाते जाना है। तो मैं बनाकर इसकी बैक वाली पोर्शन आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बैक साइड की ये जो पैटर्न है हमें इस तरह से आगे की ओर बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 लाइन जो है 1 2 3 4 लाइन येलो से हमने बनाया, फिर अगेन 4 लाइन पिंक से 1 2 3 4, ये हमने सारे यहाँ डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर अगेन हमें येलो से 4 लाइन बनानी है, फिर नेक्स्ट पिंक से 4 लाइन। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों पीसेस रेडी कर लिए हैं, ये बैक के पीस रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, और ये फ्रंट वाले पीसेस। अब दोनों को आपस में हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम ऊन सिलने वाली एक बड़ी सुई लिए हैं, और जिससे आपको स्टिच करना है वो ऊन आप ले लें। अब देखिए हमने सुई में ऊन लगा लिया है इस तरह से, लंबी ऊन आप ले लें। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीसेस को आपस में हमें इस तरह से ऐड करना है। देखिए तो अब हम यहाँ से फ्रंट साइड से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से, इसे अंदर कर लें। और इसे जो है हम क्रॉस करके सिलेंगे। अब देखिए इसकी स्टिचिंग हमें कैसे करनी है, सिंपल इस तरह से एक घर के बाद एक घर, यहाँ वाइट में ना लेकर येलो में आप निकालें इस तरह से, और इसे टाइटली हम इस तरह बिल्कुल टाइट कर देंगे। देखिए डबल, तो इस तरह से हमें पूरा स्टिच कर लेना है। देखिए हमने इस साइड स्टिच कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और देखिए इस साइड से हमें 3 साइड हमें यहाँ तक इसे स्टिच करना है, और 1 साइड हमें यहाँ पे ओपन रखना है, खुला रखना है। अब देखिए इसकी तीन तरह की जो है, तीनों साइड की हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है, तीनों साइड की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसे इसके अंदर कुशन को घुसा देंगे। और यहाँ पे हमें इसे पूरा स्टिच नहीं करना है, ताकि ये जब गंदे हो जाएंगे तो इसे धुलने के लिए हमें इसे खोलना होगा। तो खोलने के कारण हम इसमें बहुत ही सिंपल सा स्टेप बनाएंगे। तो हमें लेने हैं अब येलो ऊन, और इसे इस तरह से अपने फिंगर में फोल्ड करना है 25 टाइम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
फाइव टाइम हमने फोल्ड कर दिया। अब इसे कट कर देना है, हमने कट कर दिया फ्रेंड्स। फिर अगेन हमें बिल्कुल थोड़ी सी येलो कलर की ऊन ले लेनी है, इतना सा हमने कट किया दोबारा। और अब हमें क्या करना है, इसे इसके अंदर से आप निकाल लें और इसे आप इक्वल कर लें इस तरह से। देन यहाँ पे आप दो नॉट लगा लें, दो नॉट लगाने के बाद इसे हम ऊपर की साइड छोड़ देंगे और सारे ऊन को इस तरह से हमें पकड़ना है। फिर अगेन हमें लेनी है दूसरी कलर की ऊन, तो यहाँ पे मैं ग्रीन ले रही हूँ। येलो और ग्रीन की कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड्स, इस तरह से। इसमें 6 से 7 टाइम आप इसे अच्छे से फोल्ड करें इस ऊन को। हमने ढक दिया उस ऊन को, देखिए। और अब हमें इस तरह से दो नॉट लगा लेना है इसमें, 1 अगेन 2। और आप इस अब इसे कट कर लें। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से सारे पीसेस हमें चेक करके कट कर लेना है। इस तरह आप इक्वल कट कर लें। और देखिए ये जो हमने यहाँ पर बड़ी ऊन छोड़ी है थोड़ी सी, इसे हमें क्या करना है, यहाँ 1 2 3 हमें अब सेम ऐसा हमें 3 पीस बनाने हैं। तो देखिए हमने 3 पीसेस बना के रखा हुआ है, देखिए फ्रेंड्स। और इसे हमें यहाँ पे एडजस्ट करना है, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे जो है हम तीनों लटकन जो है हम यहाँ पर अटैच कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें इसमें कुशन को इंसर्ट करना है। अब देखिए हमने कुशन को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हम यहाँ पर देखिए आप नज़दीक से, यहाँ हमने इस लटकन को यहाँ पे अटैच किया है, तो अब इस ऊन को हमें कट नहीं करना है। हमें क्या करना है, लटकन को आप आगे की तरफ पुश कर दें और देखिए सिंपल इसमें आप इस तरह से इसे निकालें और यहाँ पर एक इजी सा नॉट लगा दें इसे अटैच कर इस तरह से, ताकि आप जब भी चाहें इसे इजली ओपन कर सकती हैं इस तरह से हमें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप इसे टाइट कर लें इन दोनों पीसेस को भी। तो अब मैं इसे यहाँ पर अटैच करके आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तीनों को यहाँ पे अटैच कर लिया है और इस तरह से आप चाहें तो एक यहाँ और एक यहाँ भी सेम लटकन बनाकर लगा सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप इसे इस तरह भी डेकोरेट कर सकती हैं और इसे बैक साइड भी हम डेकोरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे आप बचे हुए ऊन से भी बना सकती हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।